जहानाबाद के एक निजी होटल में महागठबंधन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। जहानाबाद के राजद प्रत्याशी सुरेंद्र यादव के नामांकन को लेकर आयोजित इस बैठक में कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआईएमएल, माले, आम आदमी पार्टी सहित अन्य दलों के लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर जहानाबाद के विधायक, घोसी के विधायक सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष महेश ठाकुर द्वारा किया गया। इस मौके पर राजद के प्रत्याशी सुरेंद्र यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार से देश की जनता ऊब चुकी है, महंगाई बेरोजगारी से तंगो तबाह हो चुकी है। देश की जनता बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव होकर रहेगा। मुशर्रफ पालवी के साथ एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। देखिए, हमारा जो महागठबंधन के बड़े बड़े जो लीडर हैं, अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा सामने उजागर नहीं किया। इससे काफी भाजपा वालों में रोष है, गुस्सा है और जितना उनको दहशत है। हमारे लोग चेहरा पढ़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जब टीवी में आ रहे हैं तो चेहरा लोग पढ़ रहे हैं और चेहरा पढ़ के समझ गए हैं कि यह भाग चला। दूसरा ये भी जान गया है कि संविधान पर बहुत बड़ा खतरा है, तो जितना दलित पिछड़ा अति पिछड़ा है वो सारे लोग गुलबंद हो गए हैं। संविधान पर खतरा है और अपना खतरा हम लोग हक अधिकार नहीं लड़के लेंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इस देश के किसी कोने में रहने लायक लोग नहीं रह जाए। गठबंधन पार्टी जो बना है, इंडिया पार्टी जो बना है, इस पर भारी भरोसा और विश्वास है और विश्वास के साथ यहाँ सारे लोग गुलबंद हुआ। जहानाबाद में इस बार क्या हाल हुआ? पिछली दफा थोड़ी सी चूक हो गई, आप बहुत कम मार्जिन से हार गए। नई रणनीति क्या होगी पार्टी की और गठबंधन? इसको गुप्त रखा गया है, जब काउंटिंग होगा तो इसको पर्दा को उजागर किया जाएगा, इस बात को खोला जाएगा। काउंटिंग के समय में था पोस्टल बैलेट पर कि पहले इसका गिनती हो, तो कलेक्टर को बड़ा निचाई लगा था और बड़ा गुस्सा में आया था। मैं जानना चाहता हूँ उस कलेक्टर से, उस सरकार से, वो प्रशासन से, क्या पोस्टल बैलेट के क्या होता है तब तो ठीक है, अगर बाद में होता है तो कलेक्टर दोषी है। दूसरी बात, ये कैसा व्यवस्था था कि बिजली भी कट रहा है और जनरेटर भी एक के टाइम में लाइट कट रहा है? हुआ कोई उंगली उठाया, कोई बात बोला? और पूरे यहाँ बहुत बड़ा जमाकड़ा बना दिया, हम मार के बर्बाद कर का ही सब परिणाम है। इसी का परिणाम है जो एक के बार का परिणाम पाप तो छप्पर फाड़ के बोलबे ना करता। इंडिया पार्टी जो बना है इस पर भारी भरोसा और विश्वास है और विश्वास के साथ यहाँ सारे लोग गुलबंद हुआ है। इसको गुप्त रखा गया है, जब काउंटिंग होगा तो इसको पर्दा को उजागर किया जाएगा, इस बात को खोला जाएगा। काउंटिंग के समय में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारा बेटा लड़ गया था पोस्टल बैलेट पर कि पहले इसका गिनती हो, तो कलेक्टर को बड़ा निचाई लगा था और बड़ा गुस्सा में आया था। मैं जानना चाहता हूँ उस कलेक्टर से, उस सरकार से, वो प्रशासन से, क्या पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में होता है कि पहले होता है? अगर पहले होता है तब तो ठीक है, अगर बाद में होता है तो कलेक्टर दोषी है। दूसरी बात, ये कैसा व्यवस्था था कि बिजली भी कट रहा है और जनरेटर भी एक के टाइम में लाइट कट रहा है? इस पर कोई जांच हुआ? कोई उंगली उठाया, कोई बात बोला? और पूरे मगध प्रमंडल के शासन प्रशासन मिला के यहाँ बहुत बड़ा जमाकड़ा बना दिया, हम मार के बर्बाद कर देंगे, सबको जेल में बंद कर देंगे। उसी का ही सब परिणाम है, इसी का परिणाम है जो एक के बार बोल दे रहा है 4000 के पार, उसी का परिणाम पाप। महागठबंधन दलों की बैठक बुलाई गई है, आप प्रत्याशी हैं, आज खास करना चाहिए? देखिए, हमारा जो महागठबंधन के बड़े बड़े जो लीडर हैं, अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा सामने उजागर नहीं किया,
इससे काफी भाजपा वालों में रोष है, गुस्सा है और उससे ज्यादा उसको डर है कि कौन चेहरा प्रधानमंत्री बनेगा, तो काफी दहशत उनको हो गया है। खास कारण ये है और जितना उनको दहशत है हमारे लोग चेहरा पढ़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जब टीम आ रहे हैं तो चेहरा लोग पढ़ रहे हैं और चेहरा पढ़ के समझ गए हैं कि यह भाग चला, यह भाग चला। दूसरा ये भी जान गया है कि संविधान पर बहुत बड़ा खतरा है, तो जितना दलित पिछड़ा आदमी पिछड़ा है तो सारे लोग गोलबंद हो गए हैं। संविधान पर खतरा है और अपना खतरा हम लोग हक अधिकार नहीं लड़ाई लड़के लेंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, इस देश के किसी कोने में रहने लायक हम लोग नहीं रह जाएंगे।